अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ब्रांड मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम बच्चों, BMC VTC उर्दू यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है, स्वागत है। बच्चों कैसे आप लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे, हमारे वीडियो भी देख रहे होंगे और ये वीडियो आपको BMC VTC उर्दू की तरफ से मिल रहा है। अगर ऐसे और भी वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जैसे वीडियो हम अपलोड करें आपको फ़ौरन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सबक, उर्दू बाल भारती 5वीं जमात के लिए मीडियम उर्दू मज़मून उर्दू जमात पंजुम। आज जो सबक हम पढ़ने वाले हैं ये आप पर से ही है, यानी बहादुर बच्चे। और हमारे तमाम बच्चे कैसे हैं, बहादुर है। कुछ की कहानियां सामने आती हैं और कुछ की कहानियां सामने नहीं आती है। तो आज जो सबक हम पढ़ने वाले हैं वो सबक का नाम है बहादुर बच्चे। और मैं हूँ आपका टीचर, आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए सीधा बढ़ते हैं हमारे सबक की तरफ। तैयार है आप लोग? ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चों आपके? वेरी गुड, चलिए बढ़ते आगे। बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं आज हम सबक पढ़ने वाले हैं सबक नंबर 8 बहादुर बच्चे, जिसे लिखा है सरफराज आरजू ने। हाँ, इसके मुसन्निफ कौन है? सरफराज आरजू। तो सबक पढ़ने से पहले हम सरफराज आरजू के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, जो कि इस सबक के क्या है मुसन्निफ भी है, ये सबक उन्होंने लिखे है, तो उनके बारे में जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। इनकी पैदाइश हुई थी 2 सितंबर 1956। सरफराज आरजू मुंबई में पैदा हुए। गुज़िश्ता 35 बरसों से वो सहाफ़त, अदब और मुख्तलिफ तालीमी और समाजी इदारों से वाबस्ता है। हमारे मुल्क में जो बच्चे गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हैं उनकी बहुत कदर की जाती है। अखबारात में उनकी तस्वीरें छपती है और उनके कारनामों का जिक्र किया जाता है। अवामी जलसों में उनकी हिम्मत अफजाई की जाती है। इस सबक में मज़मून निगार यानी कि सरफराज आरजू ने ऐसे चंद बच्चों के सच्चे वाक़यात बयान किए हैं जिनकी गैर मामूली हिम्मत और बेमिसाल बहादुरी की वजह से उन्हें सदर जमहूरिया के हाथों इनामात से नवाजा गया है। तो ये देख रहे हैं हम लोग सरफराज आरजू, उनके बारे में मालूमात। सरफराज आरजू कहाँ पैदा हुए थे? मुंबई में पैदा हुए थे और 35 सालों से वो सहाफ़त यानी रिपोर्टर, पत्रकार होते हैं ना, हाँ उसका काम वो लोग कर रहे हैं। इसके अलावा तालीमी और समाजी इदारों से भी वो वाबस्ता है। हमारे मुल्क में जो गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हैं ऐसे बच्चे जो होते हैं जाने बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं, उनकी बहुत कदर की जाती है, उनकी तस्वीर अखबारात में छपती है और उनके कारनामों का जिक्र किया जाता है। तो आज जो सबक हम पढ़ने वाले हैं बहादुर बच्चे ये इन्हीं के बारे में है और ये सच्चे वाकियात हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कहानी वगैरह है, नहीं, बल्कि ये एकदम सच्चे वाकियात है।
इनकी बेमिसाल बहादुरी की वजह से उन्हें क्या मिला है, सदर जमहूरिया, जो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अहदा है सदर जमहूरिया, उनके हाथों इन बच्चों को इनामा से नवाजा गया है। समझ में आ रहा है आपके? हाँ, तो ये है सरफराज आरजू, और इस सबक में हम क्या पढ़ने वाले ये हमने यहाँ पर देख ली है। और सरफराज आरजू की तस्वीर है यहाँ पर, और वो हिंदुस्तान रोज़नामा मुंबई के क्या थे, एडिटर भी रह चुके हैं। कौन? सरफराज आरजू। चलिए, ये तो हो गया सरफराज आरजू के बारे में और सबक के बारे में मालूम। क्या पढ़ने वाले करके हम लोग बढ़ते आगे सीधा सबक की तरफ, और सच्चे वाक्यात और सच्ची कहानियाँ हम लोग पढ़ते हैं बहादुर बच्चों की। तैयार है आप लोग? ओके, चलिए। चलिए सबक शुरू करते हैं। बहादुर बच्चे, सबसे पहले किसकी कहानी आ रही है देखते हैं हम लोग। मुंबई में तेज़ बारिश से कभी कभी सैलाबी सूरत पैदा हो जाती है। हाँ, जो लोग मुंबई में रहते हैं उन्हें पता है कि कितना ख़तरनाक सैलाब यहाँ पर आता है, बारिश कैसी होती है, किस तरह पानी भर जाता है। तो मुंबई में तेज़ बारिश से कभी कभी सैलाबी सूरत पैदा हो जाती है, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल होता है। मुंबई के मानखुर्द इलाके में चिल्ड्रन एंड सोसाइटी नामी इदारा बच्चों के लिए एक बाल घर चलाता है। एक दिन लगातार बारिश हो रही थी, बाहर पानी की सतह बढ़ती जा रही थी, इसलिए बाल घर के बच्चे एक कमरे में सहमे हुए बैठे थे। इन बच्चों में अस्मा भी शामिल थी, जिसे दूसरे बच्चे दीदी कहकर पुकारते थे। अभी देखिए, मुंबई में क्या हो रही थी, तेज़ बारिश हो रही थी। हाँ, क्या हो रही थी, तेज़ बारिश। और ये बात कब की है, 26 जुलाई 2005। समझ में आ रहा है आपके? यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कोई साल और कोई डेट लिखी हुई नहीं, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ कि 26 जुलाई 2005 की ये बात थी। मुंबई में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, सैलाबी सूरत की शक्ल हो गई थी, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। अब क्या हो गया है कि मुंबई के मानखुर्द इलाके में चिल्ड्रन एंड सोसाइटी नामी इदारा, जो बच्चों के बाल घर चलाते थे, यानी बच्चों के लिए वो सोसाइटी काम करती थी, एक दिन लगातार बारिश हो रही थी, बाहर पानी की सतह बढ़ती जा रही थी धीरे धीरे पानी क्या हो रहा था, भरता ही जा रहा था। पानी भर तो रहा था, लेकिन वो भर भर के ऊपर भी आ रहा था, है ना। पहले एक सीढ़ी डूबती है, फिर दूसरी सीढ़ी डूबती है, फिर तीसरी सीढ़ी डूबती है, फिर इस तरह पानी दरवाजे तक आता है, फिर दरवाजे के अंदर पानी आ जाता है, मतलब घर के अंदर पानी आ जाता है। इस तरह सतह उसकी क्या हो रही थी, बढ़ती ही जा रही थी, किसकी, पानी की। और क्या हो रहा था, बाहर पानी की सतह बढ़ती जा रही थी, इसलिए बाल घर के बच्चे एक कमरे में सहमे हुए बैठे थे। जो भी बच्चे थे बाल घर में, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उन बच्चों में अस्मा भी शामिल थी। उन बच्चों में एक लड़की थी जिसका नाम था अस्मा, जिस दूसरे बच्चे क्या कहते थे, दीदी दीदी कहकर पुकारते थे, यानी वो उनसे थोड़ी बड़ी होगी इसीलिए उसे दीदी कहकर वो पुकारते थे। तो समझ में आया यहाँ पे आपको क्या हो रहा है। मुंबई में तेज़ बारिश हो रही थी और सैलाबी सूरत हो गई थी और पानी बढ़ता जा रहा था, और बाल घर के जो बच्चे थे डरे सहमे बैठे हुए थे, और वहाँ पर एक लड़की थी आसमा। ओके, चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं आगे क्या होता है। आसमा को खदशा महसूस हुआ। क्या महसूस हुआ, खदशा। खदशा मतलब डर और खौफ। उसको खदशा महसूस हुआ, डर लग रहा था, पानी अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो सब बच्चे डूब जाएंगे। ये ख्याल आते ही वो उठ खड़ी हुई, उसने दो बच्चों को, यानी दो छोटे बच्चों को कंधे पर बिठाया और कीचड़ भरे पानी में उतर पड़ी। उसे तैरना नहीं आता था, इसके बावजूद गले तक ऊंचे पानी में आहिस्ता आहिस्ता चलकर उसने उन दोनों बच्चों को महफूज मुकाम पर पहुँचा दिया। अस्मा दूसरे बच्चों को ले जाने के लिए बार बार चक्कर लगाती रही। इस तरह उसने 40 बच्चों को अपने कंधे पर बिठाकर खतरे से बाहर निकाला। यतीम खाने में पलने वाली इस बहादुर बच्ची ने हर बार अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरे बच्चों की जान बचाई। हिम्मत और कुर्बानी की एक उम्दा मिसाल कायम की। जैसा पिछले हमने पैराग्राफ में देखा कि पानी भर रहा था, लगातार पानी की सतह बढ़ती जा रही थी, आसमा को भी डर था कि अगर इसी तरह लगातार पानी बढ़ता रहा तो क्या हो जाएगा, बच्चे डूब जाएंगे और उनकी जान को खतरा भी हो सकता है।
ये ख्याल आते ही वो उठ खड़ी हुई और उसने दो बच्चों को अपने कंधे पर बिठाया और कीचड़ भरे पानी में कूद पड़ी। उसे तैरना नहीं आता था। हाँ, अब ये बात ध्यान से सुनिए आप, उसे तैरना भी नहीं आता था। इसके बावजूद वो गले तक पानी में उतर पड़ी और आहिस्ता आहिस्ता चलकर उन दोनों बच्चों को महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया। पानी कहाँ तक था? गले तक। लेकिन इसके बावजूद वो रुकी नहीं, उसने लगातार बच्चों को क्या किया, महफूज मुकाम पर पहुंचाते रहा। पहले दो बच्चों को, फिर दो बच्चों को, इस तरह उसने 40 बच्चों को क्या किया, अपने कंधे पर बिठाकर खतरे से बाहर निकाला और महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया। यानी अगर देखा जाए हम तो उसने 20 बार चलकर गई है। 20 बार उसने क्या की? हाँ, चक्कर लगाई है, आना फिर जाना, आना जाना, आना जाना, आना जाना, ऐसे 20 बार उसने की। 20 बार आना और 20 बार जाना, इस तरह उसने 20 चक्कर लगाई और 40 बच्चों को खतरे से बाहर निकाला। किसने? असमा ने, यतीम खाने में पलने वाली उस बहादुर बच्ची ने। हाँ, कहाँ पढ़ रही थी वो? यतीम खाने में। उसका कोई माँ नहीं थी, कोई बाप नहीं था, कोई उसका देख ब्रेक करने वाला नहीं था, कोई देखभाल करने वाला नहीं था। किसका? असमा का भी, क्योंकि वो भी यतीम खाने में थी। यतीम खाने में पलने वाली इस बहादुर बच्चे ने अपनी जान की परवाह ना करके क्या की, 40 बच्चों को खतरे से बाहर निकाली। बहादुर बच्ची ने हर बार अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरे बच्चों की जान बचाई और हिम्मत और कुर्बानी की एक उम्दा मिसाल कायम की। क्या की? हिम्मत और कुर्बानी। हिम्मत होनी चाहिए इंसान में, क्या होनी चाहिए? हिम्मत और कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, मेरी जान जाती है तो चले जाए लेकिन मैं इन 40 बच्चों को महफूज मुकाम पर पहुंचा के रहूंगी। इस तरह उसने हिम्मत और कुर्बानी की एक उम्दा मिसाल कायम की। हाँ, तो ये थी हमारी पहली बहादुर बच्ची जिसका नाम था असमा। अगर सादे अल्फाज में बोले तो क्या था? असमा उसका नाम था, मानखुर्द में वो रहती थी, बाल घर में, वहाँ पर पानी भर रहा था तो पानी ऊपर बढ़ते जा रहा था तो उसको खतरा महसूस हुआ कि अगर पानी इसी तरह बढ़ता रहा तो बच्चे डूब जाएंगे, उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए वो पानी में कूद पड़ी और अपने कंधों पर बिठाकर दो दो बच्चे करके उसने 40 बच्चों को खतरे से निकाल कर महफूज मुकाम पर पहुँचाई और इस तरह उसने हिम्मत और कुर्बानी की उम्दा मिसाइल कायम की। क्या नाम था उसका? असमा। समझ में आ रहा है ओके? यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है असमा और उसके बारे में डिटेल में बातें, जब उसने ये काम किया था तो उसकी तस्वीर और उसके बारे में आर्टिकल पेपर में भी छपा था, इंग्लिश में भी छपा था और उर्दू और बहुत सारे अखबार में छपा था। और इसको भी क्या मिला था? सदर जमहूरिया के हाथों इनामा से नवाजा गया था, अवार्ड मिला था, बहादुर बच्चे का अवार्ड मिलता है। समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको इसके बारे में और डिटेल पढ़ना है तो आप गूगल पर जाइए और उस बच्चे का नाम लिखिए और ईयर डालिए, आपको पूरी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये थी हमारी पहली बहादुर बच्ची जिसका नाम था असमा खान, जो कि मानखुर्द में रहती थी, बाल घर में, वो भी यतीम थी और उसने 40 बच्चों को डूबने से बचाया और महफूज मुकाम पर पहुँचाया। समझ में आ गया आपके? तो ये थी हमारी बहादुर बच्चों में से एक बच्ची। चलिए बढ़ते आगे अगले बहादुर बच्चे की तरफ। तैयार है आप लोग? ओके, चलिए चलिए बढ़ते आगे। मुंबई की असमा की तरह राजस्थान का एक 15 साल का लड़की सुधीर की कहानी भी बड़ी वलवला अंगेज है। एक रात वो अपने घर में बैठा था, अचानक बिजली चली गई और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। उसी वक्त पड़ोस से कुछ औरतों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी, वहाँ खूब तेज़ रोशनी भी दिखाई दे रही थी। सुधीर की समझ में नहीं आया ये रोशनी कैसी है। उसने अपने घर की दीवार से छलांग लगाई और पड़ोस के घर में पहुंच गया। वहाँ चारों तरफ धुआं फैला हुआ था और कमरा भी बेहद गर्म था सुधीर ने देखा एक कोने में चार औरतें डरी सहमी बैठी है। वो धुएं की वजह से बार बार खांस रही है और मदद के लिए चिल्ला रही है। समझ में आ रहा है आपके? हाँ, यहाँ पे क्या हुआ अभी कुछ समझ में नहीं आया कि एक्चुअल में हुआ क्या था। देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे हम लोग क्या हुआ, पहले इस पैराग्राफ को हम लोग समझ लेते हैं। अब जैसे हमने पिछले पैराग्राफ में देखे हैं
मुंबई की असमा की कहानी, उसी तरह राजस्थान का एक लड़का था जिसका नाम था सुधीर, उसकी कहानी भी क्या है, बड़ा वलवला अंगेज है। वलवला अंगेज मतलब जोश दिलाने वाली, जोश से भर देने वाली कहानी। अभी हुआ क्या था, एक रात वो अपने घर में बैठा, अचानक बिजली चली गई और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। उसी वक्त पड़ोसी कुछ औरतें की चीखने चिल्लाने की आवाज़ उसको सुनाई दी और तेज रोशनी भी वहाँ पे दिखाई दे रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया क्या आखिर हुआ क्या है। उसने अपनी दीवार से छलांग लगाई और पड़ोस के घर में पहुँच गया। वहाँ चारों तरफ धुआं फैला हुआ था। क्या था? धुआं फैला हुआ था। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या था, और चार औरतें वहाँ पर बैठी डरी सहमी खास रही थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। समझ में आया यहाँ पर क्या हो रहा है? हाँ, सुधीर क्या है, अपने कमरे में बैठा था, अचानक लाइट चली गई और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। कुछ औरतों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो फ़ौरन छलांग लगाकर पड़ोस के घर में पहुंचा तो वहां पर देखा कि कुछ रोशनी हो रही है और चार औरतें डरी सहमी बैठी है और बार बार खास रही है और मदद के लिए चिल्ला रही है। चलिए बढ़ते देखते आखिर हुआ क्या था। कमरे के वस्त्र में रखी हुई गैस बत्ती से शोले बुलंद हो रहे थे। उसके करीब एक गैस सिलेंडर रखा हुआ था। उसे देखकर सुधीर को अंदेशा हुआ कि गैस बत्ती कभी भी फट सकती है। अगर उसकी आग ने गैस सिलेंडर को अपने लपेट में ले लिया तो बड़ी तबाही आ जाएंगी। उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए जलती हुई गैस बत्ती को उठाया और दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकला और उसे दूर फेंक दिया। इसके बाद वो इंतहा फुर्ती से बाहर से मिट्टी ला लाकर कमरे की आग पर डालता गया और उसे बुझाने में कामयाब हो गया। क्या हुआ अभी कि वो कमरे में देखा तो एक गैस की बत्ती से शोले निकल रहे, बहुत भयानक आग निकल रही है और उसके करीब ही एक क्या रखा हुआ था, गैस सिलेंडर रखा हुआ था। उसे देखकर सुधीर के समझ में आया कि गैस बत्ती क्या हो सकती है, कभी भी फट सकती है, और अगर इस आग ने गैस सिलेंडर को अपने लपेट में ले लिया तो तबाही आ सकती है। हाँ, गैस सिलेंडर फटा है ना, देखे ना आप लोगों ने, हाँ गैस सिलेंडर अगर फटा है तो फिर अपने साथ पूरे घर को भी वो जलाकर राख कर देता है। तो उसने क्या किया, अपनी जान की परवाह ना करते हुए जलती हुई गैस बत्ती को यानी स्टोव को उठाया और दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकाला और बहुत दूर उसे फेंक दिया। और उसके बाद इंतहाई फुर्ती से वापस आया और बार बार बाहर से मिट्टी लाकर उस आग पर वो डालता गया और बहुत कोशिश करने के बाद वो आग बुझाने में कामयाब हो गया। क्या हो गया? वो कामयाब हो गया, आग बुझाने में वो कामयाब। उसने अपनी जान की परवाह ना की, बल्कि वहाँ पर कौन लोग थे, चार औरतें डरी सहमी बैठी हुई थी। इस तरह उसने क्या की, उन चारों औरतों की जान बचाई। किसने? सुधीर ने। उस दौरान में वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी, सब सुधीर की तारीफ़ कर रहे थे। उसकी हाजिर दिमागी और बहादुरी से ना सिर्फ चार औरतों की जान बच गई बल्कि पूरा मोहल्ला एक बड़ा नुकसान से बच गया। अब वहाँ पर जब ऐसी आग लगी, इस तरह का हादसा हुआ, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा हो गए और क्या करने लगे, सुधीर की बड़ी तारीफ़ करने लगे। उसके हाजिर दिमागी और बहादुरी के चारों तरफ चर्चे होने लगे और उसने ना सिर्फ चार औरतों की जान बचाई बल्कि पूरे मोहल्ले को बड़े नुकसान से उसने बचा दिया। यहाँ पर हम दो कहानी देख चुके हैं, एक आसमा की और एक सुधीर की। दोनों ने क्या किया, अपनी जान की परवाह ना की और दूसरों की जान बचाई। अगर हमारे ऊपर ऐसा मौका आता है कि हम किसी की जान बचा सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, तो हमें बिल्कुल उसकी मदद करनी चाहिए। मदद करेंगे तो हमें बड़ा सवाब तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कभी हमें कहीं किसी चीज़ पर किसी जगह पर अगर मदद की ज़रूरत मिली तो कोई हमारे मदद को ज़रूर हाजिर रहेगा। तो दूसरों की मदद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरों की मदद हमें इस तरह करना चाहिए गोया हम खुद की मदद कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये है सुधीर, ठीक है, जो अखबार में उसकी तस्वीर छपी थी और उसके बारे में जो आर्टिकल लिखा था आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और भी आपको जानना है तो आप जाकर पढ़ सकते हैं गूगल पर, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। बहादुरी के कौमी इनाम पाने वालों में जलगांव की एक तालिबे इल्म संतोष का भी शुमार है। एक दिन संतोष
अपने स्कूल से लौट रहा था, उसने देखा कि सड़क पर एक कार में आग लगी है, कार में दो बच्चियां फंसी है, वो रोए जा रही है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। लोग खामोश तमाशा देख रहे हैं। जलती हुई कार के पास जाने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। संतोष इस भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और अपनी जान की परवाह ना करते हुए कार के एक दरवाजे को खोलने में कामयाब हो गया और शोलों में घिरे हुए दोनों बच्चों को कार से बाहर निकाल लाया। सारे लोग संतोष की इस बहादुरी पर शशरदा रह गए। शशद्र रह जाना मतलब हैरान हो जाना। तो ये कौन था? जलगांव का एक तालिब इल्म संतोष, जिसने क्या किया था, दो बच्चियां कार में फंसी हुई थी और आग से वो कार जल रही थी, सब लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन संतोष ने हिम्मत किया, कार के पास गया और उसका दरवाज़ा खोल दिया और दोनों बच्चों को बाहर निकालने में कामयाब हो गया। तो सब लोग वहाँ पर जो खड़े थे हैरान हो गए उसकी बहादुरी से। तो ये कौन थे? तालिब इल्म संतोष। चलिए बढ़ते आगे। ये ना समझा जाए कि कुछ खास बच्चे ही बहादुर होते हैं। वक्त पड़ने पर हर बच्ची या हर बच्चा बहादुरी का मुजाहरा कर सकता है। मध्य प्रदेश के एक स्कूल की पांचवी जमात में पढ़ने वाली अनीता भी ऐसी ही एक आम सी बच्ची थी। एक रोज़ वो अपनी तीन सहेलियों के साथ घर के करीब एक नाले के पास से गुजर रही थी। अचानक उसकी सहेली कविता को जाने क्या सूजी के पानी में उतर कर खेलने लगी। सहेलियों ने उसे रोकना चाहा लेकिन उसने एक न सुनी और खेलती रही। इतने में एक बड़ी लहर आई और कविता को गहरे पानी में बहा ले गई। वो भाव में गोते खाने लगी। अनीता की सहेलियां ये मंजर देखकर घबरा गई और भाग खड़ी हुई, मगर अनीता को गवारा ना हुआ कि अपनी सहेली को मौत के मुंह में छोड़कर इस तरह भाग जाए। उसने बेखतर पानी में छलांग लगा दी और नाले के किनारे उगे हुए पौधे को एक हाथ से मजबूती से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अपनी सहेली का हाथ पकड़कर पूरी ताकत से ऊपर खींचने लगी। आखिर वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गई। उसने अपनी सहेली को डूबने से बचा लिया। क्या कह रहे हैं यहाँ पर मुसन्निफ के, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ ही बच्चे ख़ास होते हैं। नहीं, बल्कि वक्त आने पर हर बच्चा ख़ास हो सकता है और बहादुरी का मुजाहरा कर सकता है। यहाँ पर एक वाक्या भी उन्होंने बताया कि अनीता अपने कुछ सहेलियों के साथ जा रही थी नाले के किनारे, तो उसकी एक सहेली कविता को अचानक क्या सोचा नाले में उतर कर खेलने लगी। अचानक एक लहर आई और उसको भाग कर ले गई और भौर में वो गोते खाने लगी। कौन? कविता। सारी सहेलियाँ उसकी छोड़कर डर कर भाग गई, लेकिन अनीता ने जो है उसका साथ नहीं छोड़ा। वो पानी में कूद गई और एक हाथ से पौधा पकड़ा और दूसरे हाथ से उसको पकड़कर उसे खींचा और वो उस कोशिश में कामयाब हो गई और उसे उस भंवर से बाहर निकाला और उसे डूबने से बचा लिया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कुछ ही बच्चे खास होते हैं, बल्कि वक्त आने पर सारे ही बच्चे बहादुरी का मुजाहरा कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर दिख रहा है आपको उसकी तस्वीर जो आर्टिकल पेपर में उसके बारे में छपा था अनीता के। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे मुल्क में बच्चों की बहादुरी के ऐसे वाक्यात पेश आते रहते हैं। राजधानी दिल्ली में हर साल 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर शानदार परेड होती है और तरह तरह की झांकियां दिखाई जाती है। इस मौके पर सदर जमहूरिया से इनाम हासिल करने वाले उन बहादुर बच्चों को खुसूसी तौर पर इस परेड में शामिल किया जाता है। इनकी बहादुरी के वाक्यात अखबार, रेडियो और टेलीविज़न के जरिए मुल्क के कोने कोने में पहुँचाए जाते हैं। इन वाक्यात से हर शहरी को दूसरे की मदद करने और उनके काम आने की तरगीब मिलती है। हाँ, जो बच्चे यौम जमहूरिया होता है ना हमारा, हर साल 26 जनवरी को, 15 अगस्त को यौम जमहूरिया, यौम आज़ादी होती है, फिर परेड होता है दिल्ली के अंदर, तो ऐसे बच्चे जो सदर जमहूरिया के हाथों क्या क्या कर चुके हैं, इनाम हासिल कर चुके हैं, उनको भी उस परेड में शामिल किया जाता है और ये बहुत एहसास की बात है। ये इनाम से कम नहीं है। इससे क्या होता है, दूसरों को भी मदद करने का जज्बा मिलता है और तरगीब मिलती है। समझ में आ रहा है आपके? हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कुछ ही बच्चे बहादुर होते हैं, बल्कि वक्त आने पर हर बच्चा बहादुरी का मुजाहरा कर सकता है, बहादुरी करके दिखा सकता है। तो ये तमाम वो बच्चे हैं जिनको क्या मिला था, सर्टिफिकेट मिलता है, इनाम मिलता है सदर जमहूरिया के हाथों। ये है वो सदर जमहूरिया उस वक्त के, जब के वाक़यात यहाँ पर किताब में पेश किए गए हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उस वक्त सदर जमहूरिया थे। अब देख लेते हैं इस कहानी में आने वाले
या इस सबक में जो अल्फाज आए उनके मानी, खदशा डर और खौफ, वलवला अंगेज जोश दिलाने वाला, शशद रह जाना, हैरान रह जाना, मुजाहरा करना, अमल करके दिखाना, गोते खाना, डूब जाना। समझ में आया बच्चों? ये तमाम चीज़ें मैं आपको सबक के दौरान ही बता चुका हूँ। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आज का ये सबक बहादुर बच्चे आपको पसंद आया होगा और आपने भी हिम्मत और हौसला किया होगा किसी की मदद करने का और कुर्बानी देने का। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज के ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाहर मत निकलिए और पढ़ाई जारी रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।